पैटीज में पनीर का फिलिंग किए हुए हैं, खाने में टेस्टी है, बनाना आसान है। मैदे को हमने सख्त गूंदा था, पैटीज खस्ता हुआ है। डीप फ्राई किया है मीडियम आंच में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है पनीर पैटीज। पनीर 150 ग्राम, 2 चम्मच तेल डालने हैं जो गर्म हो गया है, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक मिनट हो गया है, 1 प्याज मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, 2 मिनट तक फ्राई किए। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। प्याज फ्राई हो गया है, मसाला ऐड करेंगे। दो चम्मच पानी ऐड करेंगे। दो चम्मच टमाटर सॉस, 5 हो गया है मसाला। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 5 हो गया है बारीक कटा हुआ पनीर, 5 के साथ पनीर को भून लिए हैं। फिलिंग रेडी हो गया है, अब इसे एक प्लेट में रखेंगे। फिलिंग को एक प्लेट में रखेंगे।
एक बाउल में एक कप मैदा ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएंगे। डो टाइट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाएंगे। डो रेडी हो गया है। आटा डाल के बेलेंगे। बेल लिए हैं। 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच मैदा, दोनों को मिक्स करेंगे। रिफाइंड ऑयल और मैदा को मिक्स कर लिए हैं। मैदा और तेल का मिश्रण को लगाएंगे। मिश्रण को चारों ओर से लगा लिए हैं। छिड़काव करेंगे। अब रोल करेंगे। रोल बन गया है। अब 1.5 इंच में कट करेंगे। कट कर लिए हैं। अब बेलेंगे। आटा डाल के बेलेंगे। बेल लिए हैं। अस्टबिन फिलिंग करेंगे पनीर का मिश्रण से। फोल्ड करेंगे। लिए साइड से कट करेंगे। पैटीज को डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे पैटीज बनाएंगे। तेल गर्म हो गया है। पलटेंगे। मीडियम आंच पे डीप फ्राई करेंगे। उलट पलट के पकाएंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे। पैटीज रेडी हो गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।